Hello guys, this is Jagdesh. Welcome to Chemistry Paathshala. Today we are going to discuss depression and freezing point. This is the second chapter of class 12th solution. Let's discuss about what is the depression freezing point. बच्चों इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. मैंने वहां आपको बताया था कि किसी भी सॉल्वेंट के अंदर आप कोई सॉल्यूट डालते हो और कौन सा सॉल्यूट डालना है, आपको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालना है. जैसे ही आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हो तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है. इन केस में एग्जांपल ले लूं, जो आपने कंटेनर लिया था उसमें जो सॉल्वेंट था वो वाटर था, और आप सभी को पता है जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस. जैसे ही आप उसमें आप NaCl डाल देते हो, इनकेस जैसे ही आप कोई भी नॉन सॉल्यूट या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हो तो क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, तो ये था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कि जैसे ही आप कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हो जिसके कारण उस सॉल्यूशन की आप प्रॉपर्टी में चेंज आ चुका है. और कौन सी प्रॉपर्टी में चेंज आया, वो भी बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी में चेंज आया, उसको हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, ये हम सब कहां पढ़ रहे हैं, कॉलिगेटिव की प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ रहे हैं सारे. ठीक है, अब जो थर्ड है वो है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. इसको भी सिंपल भाषा में समझा देता हूँ. होता क्या है इसमें, इसमें भी आपके पास एक सॉल्वेंट है, मान लो वाटर ही ले लो. वाटर को आप सभी को पता है फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस. जैसे ही आप उसमें क्या डालते हो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हो तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में भी चेंज आ जाता है. फ्रीजिंग पॉइंट घट के माइनस में चले जाता है बेटा, पहले 0 डिग्री था अब क्या हो गया, डिक्रीज हो गया. ठीक है, इसलिए हम उसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. जैसे ही हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो गया, डिक्रीज हो गया उसका फ्रीजिंग पॉइंट. जनरली आपने सुना होगा जैसे कनाडा जैसे, ठीक है, अमेरिका जैसे थोड़े ठंडे जो देश है उसमें क्या होता है, वहां जो रोड बर्फ के टाइम क्या होता है, वहां रोड में भी बर्फ जम जाता है. ठीक है, तो क्या करते हैं वहां के गवर्नमेंट क्या करती है, उन रोड उनके पास ऐसे व्हीकल्स होते हैं जो उस रोड से बर्फ को निकाल सके. ठीक है, उन व्हीकल्स में देखो आगे क्या होता है, वो बर्फ को जाएंगे और निकाल देंगे. ठीक है, बर्फ को निकालते हो जाएंगे और पीछे से क्या करते हैं बेटा, वो उस रोड के ऊपर वो क्या कर देते हैं, NaCl नमक का छिड़काव करते हो जाते हैं. क्योंकि क्या कर रहे हैं, देखो वहां आपके पास क्या था, पहले बर्फ था, बर्फ का मतलब वहां वाटर था, आपके वाटर का उस मान लो सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था. अब वहां क्या था, वो जो पानी है रोड पे वो अगेन आइस पे हो जाएगा. जैसे उन्होंने हटाया एटमॉस्फेयर 0 डिग्री, अब अगेन वो आइस में चेंज हो जाता है. तो क्या करते हैं उसके लिए, वो नमक गिरते रहते हैं रोड पे. अब जैसे ही उस पानी पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ जाता है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, उस सॉल्यूशन और सॉल्यूशन बन चुका है वहां पानी और नमक है. अब उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया बेटा, उसको माइनस में चले जाता है. मान लो -5 चले गया, -10 चले गया, अब एटमॉस्फेयर का नहीं है माइनस, तो उसका मतलब वो सड़क में आप क्या होगा, आइस नहीं जमेगा. इस तरीके से वर्क करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो ये वापस मैं बता देता हूं, द प्रॉपर्टी ऑफ द डिक्रीज इन द फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन सम नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज डिसॉल्व इन डिसॉल्व इज कॉल्ड द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. FP का मतलब बेटा हर जगह में जहां लिखो मोस्ट होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, अब मैं बात करते हैं सर कितने का चेंज आया, पहले सर 0 था अब -5 आ गया, तो सर कितने का चेंज आया, तो डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं. सर चेंज कितना आया, कितना अंतर आया, कितना डिक्रीज हुआ, कितना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिक्रीज हुआ. तो सर पहले कितना था, सॉल्वेंट के केस में सर ज्यादा था 0 डिग्री, अब आपने सॉल्यूशन बना दिया. ठीक है, देखो नॉट का मतलब टी नॉट, एफ का मतलब है नॉट, जहां भी लगता है मतलब प्योरिटी की बात करता है. ठीक है, तो यहाँ प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहा है सर. ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस सर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. अब देखो क्योंकि सॉल्यूशन जो सॉल्वेंट था उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या था, ज्यादा था, इसलिए हमेशा हाई टू लो माइनस करते हैं. जब भी हम डेल्टा निकालते हैं तो फाइनल टू इनिशियल निकालते हैं, कहने का मतलब नेगेटिव में आता है, चेंज कभी नेगेटिव नहीं आता. ठीक है, तो वो सिंपली हम पॉजिटिव बनाने के लिए इसको मैंने सॉल्वेंट को आगे लिखा है और सॉल्यूशन को मैंने पीछे लिखा है. ठीक है, क्योंकि इसका 0 डिग्री था, इसका माइनस में था. ठीक है, अब इससे चेंज पता चल जाएगा मुझको. ठीक है, इन केस आपके पास एक और फॉर्मूला है इसको डेल्टा टीएफ को निकालने के लिए, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट को निकालने के लिए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी होता है. ठीक है, मोलालिटी होता है, जैसे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटाते हैं तो केएफ आता है. केएफ आपका कुछ नहीं है बेटा, ये कांस्टेंट है, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट बोल सकते हो उसको, या आपका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट बोल सकते हो, फ्रीजिंग पॉइंट बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो उसको आप, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोल सकते हो और फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट बोल सकते हो. ठीक है, दो नाम से पढ़ा जा सकते हैं. इसके बारे में पूरा डिटेल मैंने बॉइलिंग पॉइंट जब मैंने सेम पढ़ाया था, सेम वही है कॉन्सेप्ट,
जो ये दो फॉर्मूले में बना रहा हूँ सेम पिछले वाले कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे बना रहा हूँ, ठीक है। एक यहाँ से एक केस, कभी क्वेश्चन में आपको केएफ नहीं दिया होता, ये कॉन्स्टेंट है, जनरली मैक्सिमम केस में दिया होता, नहीं दिया जाता तो आप इसको निकाल सकते हो केएफ को निकालने के लिए। और जो केएफ होता है कम्प्लीटली सॉल्वेंट पे डिपेंडेंट होता है, ये जो केएफ निकाल लो सॉल्वेंट पे डिपेंडेंट होगा, तो यहाँ जो वैल्यू लोगे सारी वो सॉल्वेंट के लोगे। यहाँ जो मोलर मास ले रहे हो, एम का मतलब मोलर मास, ये सॉल्वेंट को लोगे। आर क्या है आपका गैस कॉन्टेंट कॉन्स्टेंट है, और ये टी नॉट एफ का मतलब सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट लोगे, स्क्वायर कर दोगे 1000 से डिवाइड करोगे, और ये डेल्टा एच नॉट फ्रीजिंग पॉइंट लोगे, आप लोगे एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट लोगे, यहाँ एंथैल्पी और मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग बोल सकते हो उसको, ठीक है। इस तरीके से आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हो उसको। चलो एक न्यूमेरिकल्स में देख लेते हैं क्या न्यूमेरिकल किस तरह का आ जाता है। इसको देखो, जो मैं न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मिक्स करा रहा हूँ, ठीक है। ये आपका आया हुआ है नीट 2005 में क्वेश्चन है, ठीक है, लिख देता हूँ ये नीट 2005 का क्वेश्चन है, ठीक है। नीट तो तब होता ही था, तब AIPMT होता था, PMT होता था, उस टाइम 2005 में आया हुआ है। कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ यूरिन बॉइल्स एट, देखो सॉल्यूशन की बात कर रहा है, सॉल्यूशन जहां लिख दिया इसका मतलब सॉल्यूशन का मतलब है ना सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट की बात होती है, ठीक है। उसका मोलर मास तो आपको देखता है 56, कह रहा है बॉइल्स होता है 100.18 डिग्री सेल्सियस में, क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट है उसका, ठीक है। एट एटमोस्फेरिक प्रेशर इफ के एफ एंड के बी, आपको दोनों कॉन्स्टेंट दिए हैं फॉर द वाटर 1.86 एंड 0.52 केल्विन केजी पर मोल एंड द अबव सॉल्यूशन विल बी फ्री साइड। आपको सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट देखा है आपको कि सॉल्यूशन इस टाइम पे बॉइलिंग होता है। अब कह रहा है ये सॉल्यूशन फ्रीज कब होगा, और इसमें क्या दे रहे हैं दोनों के कॉन्स्टेंट्स के बारे में देखते हैं। तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है आपको, यहाँ वाटर की बात कर रहे हैं, वाटर लिया है ना यहाँ वाटर एज अ सॉल्वेंट, तो वाटर का हमें फ्रीजिंग पॉइंट भी पता है और बॉइलिंग पॉइंट भी पता है। वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको मैं यूज करूंगा क्वेश्चन में, मैं बता क्यों रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में इसको मैं यूज करने वाला हूँ, इसके हेल्प से क्वेश्चन होगा, ये आपको पता होना चाहिए छोटी छोटी बातें, ठीक है। इसको अप्लाई करना होता है, क्वेश्चन में बताया नहीं जाएगा डायरेक्ट, आपको अप्लाई करना होगा इसको, ठीक है। यहाँ आपको डेल्टा टी भी निकालना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। ये मैं बताऊंगा क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि देखो के बी और के एफ देखा तो उसके बाद मेरे पास एक ये फॉर्मूला सर, के बी का और के एफ का इस तरह का फॉर्मूला होता है, यहाँ डेल्टा टी भी आ जाता तो यहाँ टी के बी आ जाता है, एम आता सेम फॉर्मूला था। तो सबसे पहले इसका मतलब फॉर्मूला तो सर समझ गए कि ये अप्लाई होने वाला है, दोनों के किसमें अलग फॉर्मूला अप्लाई होने वाला, क्योंकि वैल्यू ये देखते हैं। तो मैंने दोनों फॉर्मूला लिख दिया और दोनों फॉर्मूला को डिवाइड कर दिया आपस में, ठीक है। अब सर मुझे डेल्टा टी बी की वैल्यू तो दी नहीं है, डेल्टा टी बी की वैल्यू नहीं दी इस केस में, मुझे इसकी देखी है उसने सर, सॉल्यूशन की देखी है मुझे, टी एफ की वैल्यू देखी है उसने मुझे सर, कितनी देखी है सर 100.18 की वैल्यू देखी है इतना कि सर सॉल्यूशन का फ्रीज आपका बॉइलिंग पॉइंट है। तो मैं इसको डेल्टा टी बी को निकालने के लिए क्या लगा सकता हूँ सर, टी नॉट, अच्छा ये फ्रीजिंग का है, बॉइलिंग का निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ बॉइलिंग का ये होता है सिंपली टी बी माइनस टी नॉट बी। तो आपको पता है वाटर का क्या, ये जनरली सॉल्यूशन की बात कर रहा है सर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, सर ये इतना गिवन है माइनस है, हमें पता है सर, इसमें से माइनस कर देंगे तो 0.18 आ जाएगा, तो मेरे यहाँ से डेल्टा टी बी आ जाएगा, इसका मतलब एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कि इतना का चेंज आया था इनके बीच में, वहां मुझे के एफ देखता है के बी देखता है, मैंने दोनों को क्या कर रहा डिवाइड कर दिया, देखो यहाँ दोनों को डिवाइड कर दिया, एम से एम कर दिया, क्या आ गया डेल्टा टी एफ बाई डेल्टा टी बी आ गया, के बी और के एफ की वैल्यू पुट करके है, जो जो वैल्यू गिवन थी मुझे, मैंने डेल्टा टी बी तो निकाल लिया था मैंने, इसको मैंने सारी वैल्यू पुट करके डेल्टा टी एफ निकाल दिया, डेल्टा टी एफ निकालता हूँ तो 0.654 आता है, ठीक है। ठीक है आगे मेरे पास 0.654 आ जाता है मेरे पास, ठीक है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो बेटा, ठीक है, याद रखना यहाँ ये डिग्री सेल्सियस में होगा, ठीक है। उसके बाद अब क्या कर सकते हो, मुझे डेल्टा टी एफ पता चल गया है और मुझे फ्रीजिंग पॉइंट पूछा, उसने पूछा मुझसे टी एफ है क्वेश्चन में उससे टी एफ के बारे में पूछा है, सॉल्यूशन के बारे में पूछा उसने, ठीक है, डेल्टा के चेंज के बारे में पूछा, सर कितना फ्रीजिंग पॉइंट का अंतर आया वो नहीं पूछा उसने, उसने बोला है कि सर फ्रीजिंग पॉइंट कितना है सॉल्यूशन का, सर डेल्टा पता चल गया, सर हमारे पास यहाँ फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ बाय टी नॉट एफ माइनस टी एफ, इसकी वैल्यू हमें पता चल गई, इसकी तो हमें पता ही है सर सॉल्वेंट का, वाटर जो सॉल्वेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है सर 0.0 पुट कर दिया, ये निकालना था ये मैंने निकाल दिया था पहले, तो यहाँ से टी एफ जो मेरा आ जाएगा वो -0.654 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हो, और बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई कठिन क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है।
और प्लीज बच्चों वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। केमिस्ट्री पाठशाला है ये आपका खुद का चैनल है। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, बाय बाय।